Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. Today we are going to talk about Under the Greenwood Tree. This work is by Thomas Hardy. In this video, we are going to talk about the background of the work. We will discuss plot and characters. All the characters we will discuss in this video. And the places which are important and with important events. And as we know, we all know that these are the sectors from where questions are asked. यही वो जगह हैं जहाँ से कि हमें questions पूछे जाते हैं. तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए और note down कीजिए चीजों को. तो पहला question तो यहीं से बनता है आप लोगों के, जो under the greenwood tree है वो कौन से writer ने लिखा है. तो वो है आपका writer है आपके Thomas Hardy. Published anonymously in 1872, उन्होंने इसे anonymously अपना नाम disclose किए बगैर उन्होंने क्या किया था, इसे publish किया था 1872 में. And this was Hardy's second published novel. So remember, here is the important thing again. यहाँ से आप लोगों को question पूछा जाएगा कि अगर question पूछ लिया जाता है, which is the second published novel. So it was Under the Greenwood Tree, a rural painting of Dutch school. तो अगर इसका subtitle पूछा जाए आप लोगों को, तो आप लोगों का यही इसका subtitle है, a rural painting with Dutch school. तो बहुत important चीजें हैं, सारी चीजें आप लोग लिखते हुए चले जा सकते हैं और आप लोगों को exam में बहुत help मिलने वाली है. And the first of what was to become his series of Wessex novels. So जो प्लेस था ये सेक्स, ये क्या था उनका, एक इमेजिनरी लैंड था. तो आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है कि जो इमेजिनरी लैंड था थॉमस हार्डी का, उसका नाम क्या था. तो वो था आपका सेक्स नॉवल. तो बार बार मैं आप लोगों को रिपीटेशन करते करते वीडियो के लास्ट तक इन सारी चीजों को याद भी करवा दूंगा आपको. तो आपको वीडियो बस सुनना है और साथ साथ अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन भी करते चलिए. तो 1872 की बात है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये आप लोगों का क्या है इसका सबटाइटल है. ये उनकी सेकंड पब्लिश नॉवल है. और विसेक्स नॉवल की बात करें, सो इट वाज द फर्स्ट ऑफ व्हाट वाज बिकम हिज सीरीज ऑफ सेक्स नॉवल. इसके अभी हम प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी जो कहानी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. क्रिटिक्स रिकग्नाइज it as an important precursor to his later tragic work, setting the scene for the Wessex, and the author would return to again and again. तो कहने की बात है कि जो Wessex है, उन्होंने ये पहला जो work था, उन्होंने एक इतने अच्छे से उसे establish किया कि बार-बार उसी setting पे उन्होंने कई novels आगे लिखी है. One by one हम सारा एक, मैंने पहले भी एक video बनाया है जिसमें कि मैंने Hardy के सारे works को डिस्क्राइब किया था. अभी हम वन बाय वन एक एक करके इनको देखेंगे. हार्डी हिमसेल्फ कॉल्ड द स्टोरी ऑफ मेलस्टॉक क्वायर एंड इट्स वेल गैलरी म्यूजिशियन अ फेयर ट्रू पिक्चर एट फर्स्ट हैंड ऑफ पर्सनेज वेज एंड कस्टम्स व्हिच वर कॉमन अमंग सच ऑर्केस्ट्रल बॉडी इन द विलेज ऑफ द 1850s. तो 1850s के दौर की ये बात है. अब बात करते हैं प्लॉट की, किसकी जो स्टोरी है वो क्या है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, डिक ड्यूई. द नॉवल फॉलोज द एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेस्ट गैलरी म्यूजिशियन. यहाँ पे वेस्ट गैलरी म्यूजिशियन की जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है. तो ये किसके बारे में स्टोरी है, वेस्ट गैलरी म्यूजिशियन. तो जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार बना दिए जाते हैं कि जो ये वर्क है आपका अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये क्या है, उसमें किसकी स्टोरी है, म्यूजिशियन की है, टीचर्स की है, लीडर्स की है, इस तरह से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं. तो इसलिए हमें प्लॉट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एटलीस्ट हम, अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर इतना वास्ट है कि उसे पूरी तरह से सारे वर्क्स को पढ़ना, एक ही राइटर आपके 30 बुक लिख के जा चुके हैं, तो आप 30 बुक्स को आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो एटलीस्ट हम प्लॉट को जान ले. प्लॉट तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, 30 प्लॉट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. अगर हम चाहें तो 30 प्लॉट्स को हम 3 or 4 डेज में भी स्टडी कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने जो कोर्स बनाया है, टोटल जो कोर्स बनाया है वो ये है कि एक तो राइटर्स के, देखिए कई पार्ट्स हमने उसमें बनाए हैं,
तो राइटर्स के शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं जब आप यूकेपीएससी लेक्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते करते हैं हमारे साथ। शॉर्ट नोट्स के साथ में हमने राइटर्स के डिटेल नोट्स आप लोगों को मिलेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, और साथ ही साथ फिर उनको फिलअप करने के लिए आपको एमसीक्यूज मिलेंगे हर राइटर के। तो एमसीक्यूज भी आपके 3000+ एमसीक्यूज आपको हर राइटर के मिलते हैं। तो इतनी तैयारी करने के बाद अगर आप कर पाते हैं इतनी तैयारी, तो लगभग डेफिनेट हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरी के फिर से। तो ये है आपका मेलस्टॉक पेरिस स्क्वायर, वन ऑफ होम डिक ड्यूवी बिकम्स रोमांटिकली इंटेंगल्ड विद कॉमरी न्यू विलेज स्कूल मिस्ट्रेस फैंसी ड्यूवी। तो यहाँ पर एक चीज और आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो फैंसी ड्यूवी है वो कौन है, तो स्कूल मिस्ट्रेस है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। द नोवेल ओपन्स, जब आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे इसके, तो आप लोगों को ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। द नोवेल्स ओपन विद द फिडलर्स एंड सिंगर्स ऑफ द कोयर इंक्लूडिंग डिक, हिज फादर रूबन ड्यूवी, ग्रैंडफादर विलियम ड्यूवी, मेकिंग द राउंड इन मेलस्टॉक विलेज इन क्रिसमस ईव, ऑन क्रिसमस ईव। When the little band plays at the school house, young Dick falls for fancy. तो यहाँ पर जब पहली बार वो स्कूल बैंड के लिए प्ले कर रहे होते हैं अपना चीजों को, तो वहां पर क्या होता है कि जो यंग डिक है वो देखता है किसको, फैंसी को। डिक स्मिटन सीक्स टू इंसिनुएट हिमसेल्फ इनटू हर लाइफ एंड अफेक्शंस, बट फैंसीज ब्यूटी हैज गेन्ड हर अदर सूटर्स इंक्लूडिंग शाइना। अब क्या होता है कि जो फैंसी है उसकी जो ब्यूटी है उसने और भी कुछ स्वीटर्स को क्या किया है, अपनी तरफ फैशिनेट किया है। उनमें से एक कौन है, शाइनर है। वो कौन है, एक रिच फार्मर है। तो कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को ये जान लेना है। मिस्टर मेहोल्ड है, मिस्टर मेहोल्ड द न्यू विकर, ये विकर एट द पेरिस चर्च। तो कितने हो गए वहां पर अगर हम स्वीटर्स की बात करें, एक तो डिक हो गया और दूसरा है आप लोगों का शाइनर, और तीसरा कौन है आपका, विकर है। ठीक है, ये मेहोल्ड है जो कि क्या है, विकर है। मेहोल्ड इन्फॉर्म्स द कोयर दैट ही इंटेंड्स फैंसी एन अकम्प्लिश्ड ऑर्गेनिस्ट, ये ऑर्गेनिस्ट है, टू रिप्लेस देयर ट्रेडिशनल गैलरी सिंगिंग एंड स्ट्रिंग अकम्पनीमेंट टू संडे सर्विसेज। तो संडे सर्विसेज जो चर्च में होती है, संडे सर्विसेज, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, मेहोल्ड ने कहा कि वो फैंसी को बुलाना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है। रूबन ड्यूवी एंड द रेस्ट ऑफ द बैंड विजिट रेक्ट्री टू नेगोशिएट बट रिलेक्टेंटली गिव वे टू द विकर्स विशेस। अब यहाँ पे क्या है, जो रूबन ड्यूवी है फादर है ड्यूवी के, तो वो इसके लिए नेगोशिएट करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि वो विकर, उस वहाँ पे विकर की विश सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उसी को मान लिया जाता है। डिक सीम्स टू विन फैंसीज हार्ट एंड टू बिकम सीक्रेटली इंगेज, और दोनों के दोनों डिक जो है वो फैंसी से क्या हो जाता है, इंगेज हो जाता है सीक्रेटली। When he is told, Fancy's father is initially opposed. जब Fancy के father को ये बात पता चलती हो, पहले तो इसको oppose करते हैं, but changes his mind when, as a consequence, Fancy stops eating and her health deteriorates. तो खाना पीना Fancy छोड़ देती है और उसकी health जो है वो deteriorate हो रही होती है, खराब हो रही होती है, गिर रही होती है, तो उसके father इस बात को मान लेते हैं। Some months later, After Fancy's first Sunday service as organist, Mayhole unexpectedly proposes marriage and promises Fancy a life of relative affluence wrecked by guilt and temptation she accepts. अब वहां पर क्या होता है कि जो Fancy का first Sunday service होता है वहीं पर उसे propose कर देता है कौन, Mayhole, ठीक है, जो vicar है वहां का, ये क्या है वहां का, vicar है। अब और वो accept भी कर लेती है। The next day, however, a chance At a chance meeting with Dick, Mayhold learns that Fancy is in fact already spoken for. अब यहाँ पर Mayhold को पता चलता है कि जो Dick है उसके साथ इस Fancy की engagement already हो चुकी है। Mayhold writes a letter admonishing her to be honest with Dick and to withdraw her commitment to him if she indeed meant what she said in accepting Mayhold. Fancy on reconsideration withdraws her consent to marry Mayhold. And ask him to keep her initial acceptance for his forever a secret. अब जो फैंसी है वो क्या कर देती है कि मेहोल्ड के साथ जो उसने शादी के लिए बात कही थी उसे विड्रॉ कर लेती है। मेहोल्ड
It's a Maybold. It's not Mayhold, but it's Maybold. Again, urges her to be honest and Dick about the episode. The final chapter is a joyful and humorous portrait of Reuben, William, and the rest of the Mellstock rustics as they celebrate Dick and Francie's wedding day. अब यहाँ पर जो final है, वहाँ पर Dick और Francie की wedding हो जाती है, और जो final chapter है, वो क्या है आप लोगों का joyful है. The novel concludes after the ceremony with Dick telling Francie that their happiness must be due to their being such full confidence between them. यहाँ पर उनके बीच में बात होती है, Dick बोलता है Francie से कि उनकी जो life है, happiness है, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने बारे में क्या थे, confidence है. He says that they will have no secrets from each other, no secrets at all. और उनके बीच में कोई secrets नहीं रहेंगे. Francie replies, none from today. And changing the subject, thinks of a secret she would never tell. और हाँ, आज के बाद वाले secrets, क्योंकि वो बाकी Maybold वाला secret नहीं बताना चाह रही है. So here are some principal characters जिनके बारे में हमने बात की, आप लोगों को याद हो गएंगे. Dick Dewey जो है वो young member of Mellstock Choir, in love with Francie Day. Francie Day ये क्या है, एक school teacher है school village में, और दोनों की last में मैरिज हो जाती है. Maybold, the new vicar of Mellstock. Robert Penny, one of the choir, a boot and shoemaker by profession. अब इसमें भी कई बार इस तरह से जो छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. रॉबर्ट पेनी, रूबन ड्यूवी, डिक्स फादर, ट्रेंट कैरियर एंड डिफेक्टो लीडर ऑफ एंड स्पोक्समैन फॉर द मेलस्टॉक कॉयर. विलियम ड्यूवी, डिक्स ग्रैंड फादर. जॉफ्रे डे, फैंसीज फादर. जॉफ्रे डे जो है वो फैंसी के फादर हैं. गेम कीपर एंड स्टीवर्ड एट वन ऑफ द अर्ल ऑफ सिक्स आउटलाइंग स्टेट्स. फ्रेडरिक शाइनर, अ रिच फार्मर इन मेलस्टॉक एंड डिक्स राइवल इन द कोर्टशिप ऑफ फैंसी. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनको. और पब्लिकेशन की बात हम करें तो ये पब्लिश हुई थी आपकी 18 जून 1872 एंड ऑथर्स नेम नॉट अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट एडिशन. जो फर्स्ट एडिशन था उसमें ऑथर का नेम नहीं था. द नॉवल वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन जून 1873 बाय हॉल्ट एंड विलियम्स एंड वाज सीरियलाइज्ड देयर द फॉलोइंग इयर्स. सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी. अगर पसंद नहीं भी आई होगी तो ये हमारा क्योंकि सिलेबस में है एंड इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, बट हमें क्या करना है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे. कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं, हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है. लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि TGT और PGT लेवल रटने का गेम है. इसमें काफ़ी सारा आपको रटना है, समझने से ज़्यादा आप डेली क्या कीजिए, कम से कम 10-20 फैक्ट्स का अपना रटने का भी एक शेड्यूल बनाइए. बाकी चीज़ें ठीक है, जो याद हो रही है पढ़ते पढ़ते देखते देखते वो चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन एक सीरीज वाइज आप डेली एक सीरीज रटने की आदत भी बनाइए. वो आपको एग्जाम में इतना हेल्प करेगी कि आप लोग उस टाइम याद करेंगे मुझे कि हाँ ठीक है, सर ने कोई बात बताई थी, हमने उसे फॉलो किया और उसका हमें फ़ायदा मिला है. काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है. तो ठीक है, मिलते हैं अगले वर्क में. अगला वर्क कौन सा होगा हमारा? अगला वर्क है हमारा फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी. तो 1872 आप लोगों को ऑलरेडी याद हो गया होगा. उसके बाद क्योंकि 1872 के बाद 74 है तो 2 का प्लस 2 करते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा. तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. तब तक गुड बाय, टेक केयर.